हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर हमने कवर करना है. इसके पिछले क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में तुम लोग रेफर कर सकते हो. प्लेलिस्ट हर चैप्टर के क्वेश्चंस के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अलग से बनी हुई है, तो मैक्सिमम बेनिफिट तुम लोग को मिल जाएगा. सारे प्लेलिस्ट चला के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर कवर कर लेना है. तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना. और अब करते हैं हम लोग देखो क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11. ठीक है, 11 के जो मल्टीपल्स हैं, लेकिन थ्री डिजिट होना चाहिए. तो नेचुरल नंबर्स हमने देखे हैं, थ्री डिजिट नेचुरल नंबर सबसे जो छोटा है वो स्टार्ट होता है 100 से. लेकिन हमें कैसा चाहिए? जो 11 से डिवाइड होता है. तो 11 के टेबल सबको आता है, काफी ईजी है. मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब हो गया 11 के टेबल में आना चाहिए. तो 11 9s 99 होता है, 11 9s. लेकिन उसके बाद हमें तो टू डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें तो थ्री चाहिए. तो 11 9 99 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 11 10s 110. तो सबसे पहला हमारा नंबर हो गया 110. ठीक है, देन सम चाहिए हमें, इसलिए हम प्लस लेते हैं. किसका मल्टीपल हमें चाहिए? 11 का मल्टीपल. तो हमने क्या करना है, जिसका भी मल्टीपल हो क्वेश्चन में या डिविजिबल हो, मेथड सेम है. ठीक है, तो हमने इसमें 11 ऐड करते जाना है या 11 का टेबल आगे बढ़ते जाओ. तो 11 टेंस हो गया, नेक्स्ट हो गया 11 11 सा, तो ये हो गया 121. 11 ऐड करोगे तो भी ये चीज, आगे हम करेंगे इसमें 11 ऐड तो ये बन गया 132. ऐसे करते हुए लास्ट नंबर, लास्ट नंबर हमें चाहिए, लास्ट थ्री डिजिट नंबर ये होगा 999. अब हमें ये चेक करते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं. अगर ये डिवाइड नहीं होता, फिर इसके पहले वाला कोई नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए, जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो. तो कैसे करते हैं इसको? 11 से डिवाइड, तो आगे 11 9s, तो ये 9 को हमने ऐसे लिखा, तो 11 0s. ठीक है, तो 9 जो ये रिमाइंडर आ गया, इसको हमने इसमें से लेस कर दिया. 999 में से 9 को लेस कर देते हैं, ये हमारा मेथड होता है. तो हमने 999 में से किसको मैंने कहा अभी लेस करना है, लेस का मतलब माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 990. तो लास्ट नंबर हमारा हो गया 990. ठीक है, क्योंकि हम एक एक नंबर को डिवाइड करके चेक तो करेंगे नहीं, तो हम जितना भी लास्ट जो नंबर होता है थ्री डिजिट, उसको जिस नंबर से मल्टीपल या डिविजिबल का है उसे डिवाइड करते हैं. जो रिमाइंडर आता है उसको फिर ऊपर हमने लेस कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक, अब ये हमारे पास टर्म्स तुम देख रहे हो सारी ए पे में आ गई. तो ए कितना है इसमें, वैकेंसी ए इज 110. और डी कितना है? डी हम चेक कर लेते हैं, जिस 121 माइनस 110, तो माइनस करके वैकेंसी इज 11, सो डी इज 11. देन लास्ट टर्म यानी एनथ टर्म, दिस इज 990. तो 990 के बेसिस पर अब हमें पता भी होना चाहिए कि कितनी टर्म्स हैं, तभी तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे. तो हमने इसमें लिख देना है इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, दिस इज 990. तो a तो लोगों को मालूम है, a कितना है हमारा 110. तो यहां पर हमने लिख देना है a प्लस n माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 990. यहां पे वैल्यूज पुट कर दी, दिस इज 110, n निकालना है तो ऐसे ही रखना है, d की वैल्यू 11 ये डाल देंगे. ठीक है, देन यहां पे इसको n माइनस 1 इनटू 11, 990 माइनस 110 इस 110 को उधर ले चले गए तो कितना आ गया n माइनस 1 इनटू 11 इज 880 माइनस किया तो n माइनस 1 इज 880 डिवाइडेड बाय 11 सो कट गया 11 8s और 0 सो n इज इक्वल्स टू 80 प्लस 1 दैट मींस n इज 81. ये स्टेप के बाद तुम लोग खुद से अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये इजी भी होता है कैलकुलेट करने के लिए. तो n हमने फाइंड कर लिया, कितनी टर्म्स है 81. अब n पता है और हमने सम निकाला, देयरफॉर सम ऑफ टर्म्स इज कितनी टर्म्स, s 81. तो s 81 हमने फार्मूला में पुट कर देना है, इट इज फार्मूला 81 डिवाइडेड बाय 2, इट इज a प्लस an. क्यों हमने an लिखा? क्योंकि हमें an लास्ट टर्म हमें पता है, तो हमें ये इजी रहेगा ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए. तो हमने यहाँ पर
इसमें लिखा मैंने S 81 is equals to 81 divided by 2. AN मान लिया कितना है 110, AN कितना है 990, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने. So 81 divided by 2, इसको ऐड करेंगे तो this is 0, 0 and 11. This is 81 into 1100 divided by 2, इसको कैंसिल कर लिया. This is 550, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई इट. So 5 ones, 5 8s, ऐसा आ गया. फिर यू कैन सी 4, 4, 5, 5, तो 4, 4, 5, 5 और ये 0, तो दिस इज सम ऑफ 81. सो दिस इज द आंसर फॉर इट. तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप्स तुम लोगों ने ध्यान रखने हैं. जैसे मैंने समझाया इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना. और अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे ही नया वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाएगी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.